नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं जेके एडुटेक। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने डिजिटल सेवा वैलेट में मनी को कैसे ऐड करते हैं, यानी कि हाउ टू ऐड अ मनी इन टू योर वैलेट अकाउंट। यानी डिजिटल सेवा की जो आपकी वैलेट है उसमें जो है पैसे को कैसे ऐड करते हैं, यानी मनी को ऐड कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिजिटल सेवा पोर्टल यहाँ पर जो है connect.cse.gov.in को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर अपना डिजिटल सेवा आईडी का लॉगिन आईडी डालेंगे। और फिर यहां पर अपने डिजिटल सेवा आईडी का पासवर्ड डालेंगे। लॉगिन आईडी और पासवर्ड इंसर्ट करने के बाद लॉगिन वाले बटन पर, साइन इन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए हमारा डैशबोर्ड जो है ओपन हो चुका है। डिजिटल सेवा का जो हमारा पोर्टल है वो ओपन हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ सबसे नीचे यहाँ जो लिखा हुआ है तीसरे नंबर पे वैलेट, इसमें जाएंगे और जो लिखा हुआ है नीचे ऐड मनी, यानी इसमें वैलेट में पैसे ऐड करना है ना हमें, तो इस पर ऐड मनी वाले पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही ऐड मनी पर क्लिक करते हैं फिर एक नीचे आता है, यहाँ पर फिर क्लिक करेंगे ऐड मनी टू वैलेट, फिर यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर ऐड मनी मतलब आपको कितने रुपए ऐड करने हैं, मैं आपको 100 रुपये जो है ऐड करके दिखा रहा हूँ। अब किस पेमेंट गेटवे से आप ऐड करना चाहते हैं, सीसी एवेन्यू, CTRU या PU न्यू, तो मैं इससे ऐड करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर रिमार्क लिख देंगे कुछ भी और यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आप जो है पैसे किस मोड में, किस मोड से, यानी किस तरीके से अपने डिजिटल वैलेट में ऐड करेंगे। तो दो यहाँ पर दो तरीका है, एक है डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड के द्वारा और दूसरा है नेट बैंकिंग के द्वारा। तो मैं जो है आपको नेट बैंकिंग के थ्रू अपने वैलेट में 100 रुपये ऐड करके दिखा रहा हूँ। तो नेट बैंकिंग वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर बैंक चूज करेंगे कौन से बैंक से करना है। तो मेरा अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूज कर लिया और पे नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अपना जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मेरा यूजर नेम और पासवर्ड है वो यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ। और इस वाले कॉलम में अपना पासवर्ड टाइप करेंगे। और यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड लेने के बाद लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब देखिए ये वाला जो है सीसी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड का आ गया। अब यहाँ पे कंफर्म करने के लिए पूछ रहा है तो यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देंगे, फिर कंफर्म करेंगे और यहाँ पर ओटीपी डालेंगे जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो आपका अकाउंट है उस पर जो हम डालेंगे। देखिए मेरा ओटीपी आ गया और मैं ओटीपी जो है यहाँ पर एंसर करने जा रहा हूँ। ओटीपी डालने के बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे।
देखिए मेरा जो है सक्सेसफुली जो है हो गया। दोबारा अपने डैशबोर्ड पे चलते हैं वापस। हाँ अब जो है मनी ऐड हो चुका है। अब वॉलेट में जाएंगे और समरी पर क्लिक करेंगे। देखिए मेरे यहाँ पर डिजिटल वॉलेट में 100 रुपये जो है ऐड हो गए हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद लगा होगा। प्लीज अगर ये वीडियो आपको पसंद लगा होगा तो प्लीज हमारे चैनल जेके एडटेक को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक आसानी से मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।